अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। उमर शरीफ साहब ने मेहनत करके मुल्क में ऐसा नाम बनाया कि उमर शरीफ साहब सदा हमारे दिलों में बाकी रहेंगे और हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहेंगे। उनकी याद और उनकी यादें हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरती रहेंगी। आपको उमर शरीफ साहब का एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से भारतीय अदाकार और भारतीय कॉमेडियंस उमर शरीफ साहब के लिए रो रहे हैं और उमर शरीफ साहब को अपना उस्ताद, अपना गुरु मान रहे हैं। सबसे पहले तो मैं राजू श्रीवास्तव साहब का एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। जरा क्लिप चलाइएगा, क्या फरमा रहे हैं। दोस्तों, जबान बहुत लड़खड़ा रही है और अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। मुझे आपको बताना है पाकिस्तान के मशहूर मारूफ हरदिल अजीज कॉमेडियन सुपरस्टार उमर शरीफ अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका देहांत हो गया और 66 वर्ष के थे। कल उन्होंने जर्मनी में आखिरी सांस ली। बहुत बड़े कलाकार थे, कॉमेडियन भी थे, राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, फिल्म स्टार भी थे और फिल्में डायरेक्ट भी की और राइटर बहुत बड़े थे, म्यूजिक कंपोज भी कर लेते थे, एक कंप्लीट एक्टर। हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों ने उन्हें बकरा किश्तों में ड्रामे से जाना। मैंने उससे पहले उनके ऑडियो कैसेट्स भी बहुत सारे सुने थे। मैं उनका फ़ैन हो गया, उनका दीवाना हो गया। फिर उनसे मुलाकात हुई दुबई, लंदन वगैरह में। उनके साथ मैंने काम किया स्टेज पे और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एक उस्ताद के साथ, गुरु के साथ बराबर से स्टेज पर मौका मिला। और जब वो हिंदुस्तान आए तो उनका बड़प्पन है, वो मेरे घर पे भी आए और आज मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है उनको याद करके। मन बहुत ख़राब हो रहा है कि बहुत जल्दी चले गए। उमर शरीफ ने जो सिखाया है, जो उनकी नकल करके, उनका अंदाज अदा करके, उनसे बहुत कुछ हासिल करके पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे कलाकार अपना घर पालते हैं, उनको अपना आइडल रखते हैं। उसे सबने कुछ ना कुछ सीखा है। 66 वर्ष की उम्र में गए, छोटी एज थी। लेकिन मैं सबसे ज्यादा नाराज हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से या वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से। जब डॉक्टर ने कहा था कि इनको अमेरिका ले जाना पड़ेगा, पाकिस्तान में इलाज नहीं है, तो वीजा के अरेंजमेंट्स के लिए, पैसों के अरेंजमेंट्स के लिए, एयर एम्बुलेंस के लिए, फॉर्मेलिटीज के लिए इतना टाइम लग रहा था। इतना वहाँ स्लो काम होता है, इतना डिले होता है, जबकि पता है कि पेशेंट क्रिटिकल है। बाद में वही हुआ, एयर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट हुआ, वीजा का अरेंजमेंट हुआ, लेकिन सब लेट। तब तो बहुत देर हो चुकी थी, वो अमेरिका पहुँच भी नहीं पाए। बीच में उन्हें जर्मनी उतारना पड़ा, उनकी हालत खराब हो गई। ये बहुत ही गलत बात भी है, दुख की बात भी है। बहुत सिंसियरिटी के साथ और प्रायोरिटी के साथ करना चाहिए था। बहुत बड़ा आदमी था, बहुत कुछ दिया उसने। दुनिया में उनके दीवाने हैं। समय से पहले चले गए हमारे उमर जी। आपने क्लिप देख लिया और उसके बाद जिस तरह से उमर शरीफ साहब ने लेजेंड अदाकार आमिर खान साहब का इंटरव्यू किया जब वो पाकिस्तान आए इमरान खान साहब के शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग के लिए, तो किस तरह से उमर शरीफ साहब ने उनका इंटरव्यू किया, उसका भी कुछ हिस्सा आपको मैं दिखा रहा हूँ, जरा देख लीजिए। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि कई साल पहले मैं, अम्मी जो है हमारी, वो बड़ी पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स देखने का शौक है उन्हें, और मैंने भी कई देखे हैं, बहुत मज़ेदार हैं। And one day, Ammi told me that there is one television play that you have to see. And she introduced me to a play called Bakra Kishto Pe. And since then, I have become a fan of yours. Since then, it has been my desire to meet you. And today, I am so happy that I am sitting with you and talking with you. I have got the opportunity to meet you. I also have to add that if I had not stopped every 10 minutes and left the room, नाज़रीन मोहतरम, उमर शरीफ साहब एक इंडस्ट्री का ऐसा बड़ा नाम है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में
इसलिए मकबूल हैं कि वो लोगों को हंसाते हैं, दर्द चुराते हैं, मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, आंसू चुरा लेते हैं और लबों पर मुस्कान सजा देते हैं। आज का पैगाम, आज की वीडियो आपको पसंद है, हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को कर लीजिए प्रेस, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। लीजिए अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त। अल्लाह।